तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो रिजल्ट आया हुआ है 2020 का, 2020 का, वो कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं दोस्तों, आप लोगों को, आप गौर से देखें और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, इसका ऑनलाइन वेबसाइट है ये वाला। आप इसको मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर के वहां से क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डालना है, ये रोल नंबर डालना है और हमें रोल नंबर और रोल कोड डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आपका जो रोल कोड या रोल नंबर मिला हुआ है उसको निकालें, दिया हुआ है वो आप ओपन करें, रोल कोड डालें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालें और रोल नंबर डालें, सर्च करें, बहुत ही इजी है ये। और ये वेबसाइट पे आप जाएं, बस सिंपली क्लिक करें और क्लिक करके आप अपना रिजल्ट पूरा मार्कशीट देख सकते हैं आप, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों सॉरी, मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो था, सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली ओपन हो चुका है। तो ये अपना रिजल्ट आ गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, ये आपका रोल नंबर, रोल कोड, नाम, ये नाम आ गया, रेगुलर एग्जामिनेशन कैटेगरी जो भी है, ये मार्कशीट आ गया यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट है ये मार्कशीट, मार्क्स से अपना टोटल मार्क्स कितना है पर सब्जेक्ट और कितना पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स हो गया, ये थ्योरी हो गया, जो थ्योरी में आपका जो मार्क्स मिलता है वो हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया, जो उस प्रैक्टिकल में आपका मार्क्स मिलता है वो हो गया, और ये फाइनल यानी कि टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ये हो जाएगा, टोटल मार्क्स आपका यानी कि टोटल मार्क्स ये आया है, डिवीजन ये हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आपका आया हुआ है और ये पास रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप देख सकते हैं अपने मार्कशीट सब्जेक्ट वाइज, ये वेबसाइट बिहार बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन, जो आप सब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कहीं भी जाने से पहले प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई नई जानकारियां मिलते रहें, जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।